ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। मसूर भाई, अरे आ जाओ। भैया भैया पहले बीच पर बना लो कप्पू कबड्डी आप ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही थी चाचा, दोबारा बोल रहे हो गया बस। आवास का चौकी क्षेत्र में एक वैगनार कार चोरी हुई थी और इसमें जब पुलिस ने पड़ताल करी तो कुछ सीसीटीवी जो है आसपास जितने चूंकि आपको मालूम है सीसीटीवी उस जगह काफी लगे हुए हैं, तो एक गाड़ी जिससे घटना जिससे घटना कारित की गई थी उसका नंबर आया, उसको ट्रेस करते करते पता लगा कि वो गाड़ी भी चोरी की है जिससे घटना करी गई है और इसमें लगभग पिछले एक महीने से हमारी पुलिस लगी हुई थी। तो इसमें सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव, सब इंस्पेक्टर असगर अली और इनकी टीम ने एसएचओ सदर बाजार के निर्देशन में पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें इन्होंने हमारे यहाँ से चोरी गई एक वैगनार और एक सेंटर जो पहले भी चोरी हुई थी थाना क्षेत्र से, उसके इंजन जो की जो है लिंक कर लिया गया है उसके और ये दोनों बरामद करी है, प्लस साथ में जिस कार से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उसको भी इन्होंने बरामद किया, कुछ और भी हमको क्लूज मिले हैं और साथ में जो कुछ इंजन वगैरह मिला है उसमें कुछ नंबर वगैरह उसको पीटा गया है, उसको निरूपित करने का प्रयास किया गया। तो और जो चीजें मिली है उनके बारे में हम जानकारी करवाएंगे कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से तुमको जानकारी मिलेगी कि घटना कहां कहां किस वाहनों के साथ करी गई थी, तो इससे बड़े गैंग का खुलासा होने की पूरी संभावना है। देखिए जैसा कि आपको मालूम है सारी गाड़ियां ऑन डिमांड है, काफी इनके स्पेयर पार्ट्स की बहुत आवश्यकता रहती है, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स महंगे मिलते हैं, तो ये जो है इन्हीं पार्ट्स को सस्ते में जो है औने पौने में छोटे छोटे कारीगरों को या अपने स्तर से जो बेच दिया करते थे, ओरिजिनल पार्ट्स के रूप में बिक जाया करते थे। देखिए अभी इस चीज का तो खुलासा नहीं हुआ, जैसे कि आपको लग रहा है कि अभी जानकारी पूछताछ जो काफी जारी इसमें है और इनसे पूछताछ करने में हमको काफी चीजें पता चलेंगी, जैसे जैसे पता चलेंगे उस प्रकार से खुलासा करा जाएगा। नहीं अभी तक इसकी जानकारी मैंने आपको बताया, दो गाड़ियां जो है हमारे यहाँ से कनेक्ट हो गई है इसी थाना क्षेत्र से और एक गाड़ी जो है जिसको ये यूज कर रहे थे वो भी ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। तो एक गाड़ी जिससे घटना कारित की गई थी उसका नंबर आया, उसको ट्रेस करते करते हमें पता लगा कि वो गाड़ी भी चोरी की है जिससे घटना करी गई है और इसमें लगभग पिछले एक महीने से हमारी पुलिस लगी हुई थी। तो इसमें सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव, सब इंस्पेक्टर असगर अली और इनकी टीम ने एसएचओ सदर बाजार के निर्देशन में पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें इन्होंने हमारे यहाँ से चोरी गई एक वैगनार और एक सेंटो जो पहले भी चोरी हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र से, उसके इंजन जो की जो है लिंक कर लिया गया है और ये दोनों बरामद करी है, प्लस साथ में जिस कार से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उसको भी इन्होंने बरामद किया है, कुछ और भी हमको क्लूज मिले हैं और साथ में जो कुछ इंजन वगैरह मिला है उस पर कुछ नंबर वगैरह उसको पीटा गया है, उसको विरूपित करने का प्रयास किया गया। तो और जो चीजें मिली है उनके बारे में हम जानकारी करवाएंगे कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से,
तो उनको जानकारी मिलेगी कि घटना कहां कहां किस वाहनों के साथ करी गई थी, तो इससे एक बड़े गैंग का खुलासा होने की पूरी संभावना है। देखिए जैसा कि आप मालूम है, ये सारी गाड़ियां ऑन डिमांड है, काफी इनके स्पेयर पार्ट्स की बहुत आवश्यकता रहती है, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स महंगे मिलते हैं, तो ये जो है इन्हीं पार्ट्स को सस्ते में जो है औने पौने में छोटे छोटे कारीगरों को या अपने स्तर से जो बेच दिया करते थे, ये ओरिजिनल पार्ट्स के रूप में बिक जाया करते थे। अन्य राज्यों से भी चोरी करते थे ये लोग? देखिए अभी इस चीज़ का तो खुलासा नहीं हुआ, जैसे कि आपको लग रहा है कि अभी जानकारी पूछताछ जो है काफी जारी इसमें है, और इनसे पूछताछ करने में हमको काफी चीजें और पता चलेंगी, जैसे जैसे पता चलेंगी उस प्रकार से खुलासा करा जाएगा। लोग भी मिले जिन्होंने माल खरीदा? नहीं अभी तक इसकी जानकारी नहीं। बरामद गाड़ियों, मैंने आपको बताया था दो गाड़ियां जो है हमारे यहाँ से कनेक्ट हो गई हैं इसी थाना क्षेत्र से, और एक गाड़ी जो है जिसको ये यूज कर रहे थे वो भी चोरी हुई है।